हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वाड्रिलेटरल चैप्टर 13 क्लास 10 NIOS। दोस्तों, चैप्टर 13 के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 5:7:7:11। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल। यानी दोस्तों, एक चतुर्भुज आपके पास है, मान लीजिए एक ही चतुर्भुज हमारे पास है। अब इसके अंदर चार एंगल होंगे आपके, जैसे कि आपने मान लिया यहाँ पर, ये दोस्तों आपका ए एंगल है, ये आपका बी, यहाँ सी और यहाँ आपका डी। अब इनकी वैल्यू यानी इनके एंगल आपको पता है, लेकिन जो एंगल पता है आपको वो किसके अंदर पता है आपको, रेशियो के अंदर। तो सबसे पहले हमें इनका जो ये रेशियो वाला साइन है ये ख़त्म करना। तो हमने अपने पास से माना कि जो इस क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के जो एंगल होंगे, अगर आप यहाँ से रेशियो हटाएंगे तो उसकी जगह आप दोस्तों क्या मान सकते हैं, एक्स। तो पहला हो गया आपका 5x, दूसरा आपके पास हो गया 7x, तीसरा भी क्या होगा 7x, और चौथा एंगल होगा आपके पास 11x। अब आप ये भी जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से कि किसी क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज के चारों एंगल को अगर आप प्लस करेंगे, चारों एंगल को आप क्या करेंगे प्लस, तो उन सभी का सम यानी योग कितना होता है, 360 यानी 360। अब चारों एंगल को आपने प्लस किया, 5x + 7x + 7x + 11x, सभी का सम कितना होता है, 30x = 360। अभी देखिए 30 आपका मल्टीप्लाई में, नीचे का आएगा डिवाइड में, जीरो से आपकी जीरो कैंसिल। फिर देखिए 3 1 आपका 3 3 1 3 3 2 6। तो दोस्तों x की जो वैल्यू आपके पास आ चुकी है वो आ चुकी है आपके पास 12 डिग्री, यानी यहाँ x कितना होगा 12। अब आपको सभी हर एक कोण की वैल्यू बतानी, यानी हर एक कोण का क्या बताना है आपको, मान। तो देखिए पहला एंगल कितना आपके पास, 5x है, इसका मतलब क्या, 5 × x। तो 5 आपने ऐसे लिखा, इंटू का साइन लगाया, और x की वैल्यू कितनी है 12 इंटू आप 5 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 60। यानी जो दोस्तों पहला एंगल आपके पास होगा वो कितना होगा, 60 डिग्री होगा। नेक्स्ट आपके पास 7x, तो 7 आपका सेम इंटू में x की वैल्यू कितनी है 12 इंटू आप 7 से करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका 84। देखिए थर्ड भी आपका एंगल बिल्कुल सेम है, तो इसका आंसर भी कितना आएगा आपके पास में, 84 ही आएगा। नेक्स्ट आपके पास 11x, तो 11 आपका सेम x की वैल्यू कितनी है 12, दोनों गेन टू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 132। तो दोस्तों इस क्वाड्रिलेटरल यानी ABCD जो चतुर्भुज था आपका, इसके चार एंगल आपके पास आ चुके हैं। पहला एंगल क्या है, 60 डिग्री, दूसरा क्या 84 डिग्री, थर्ड क्या 84 डिग्री, और फोर्थ क्या आपके पास 132 डिग्री। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर आपसे ये कहा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेपेजियम, यानी निम्न में से कौन से समलंब हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं समलंब के बारे में थोड़ा सा, कि आपके पास में मान लीजिए कोई इस तरीके का फिगर होता है, जैसे कि आपके पास बना हुआ है, तो इसके अंदर जो ये आपकी लाइन होती है उसका एक पेयर हमेशा क्या होता है, एक पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है। यानी जैसे कि ये ए बी है, तो दोस्तों यहाँ आप कह सकते हैं कि ये जो ए बी है आपका, ये किसके पैरेलल यानी समांतर है, आपका सी डी के समांतर है। तो देखिए ये तो आपका ट्रेपेजियम दोस्तों है, लेकिन जैसे कि आप फिगर नंबर सेकंड में आए, तो देखिए इसके जो ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के तरीके से, और ए डी किसके पैरेलल होता है आपका, हो सकता है यहाँ पर बी सी के। लेकिन आप जानते हैं ट्रेपेजियम के अंदर एक ही साइड का पेयर क्या होता है हमारा, पैरेलल होता है, लेकिन यहाँ तो दो साइड का पेयर पैरेलल है, तो इसलिए आपका समलंब यानी ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। लेकिन देखिए दोस्तों थर्ड के अंदर ये साइड इसके क्या होगी, पैरेलल होगी, तो आप कह सकते हैं इन फिगर के अंदर के फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 3 आपके क्या है, ट्रेपेजियम है यानी समलंब है। आपको याद रखना ट्रेपेजियम की खास बात क्या है, कि वन साइड पेयर इसका क्या होता है, पैरेलल यानी समांतर होता है, ना कि कभी भी इसके दो साइड पैरेलल यानी दोनों साइड जो होती हैं, जैसे कि ये साइड तो इसके पैरेलल, लेकिन जो अदर साइड होगी सेकंड वाली वो इसके पैरेलल नहीं हो सकती, केवल वन साइड पैरेलल होती है, टू साइड पैरेलल नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन सेकंड आपका कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन में आपके पास है, ABCD इज द पैरेलोग्राम विद एन एरिया ऑफ 48 cm². फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन और अनशेडेड रीजन। यानी एक आपके पास क्या दोस्तों, समांतर चतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल कितना आपके पास में, 48 वर्ग cm² है। अब आपको यहाँ बताना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और जो छायांकित भाग को छोड़कर जो बाकी का जो खाली पार्ट बचा ये वाला, इसका भी आपको क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल। चलिए आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं ABCD का एक समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम है, जिसका एरिया आपके पास कितना है यहाँ पर, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर।
देखिए दोस्तों, इस चतुर्भुज यानी इस समांतर चतुर्भुज के अंदर आपके पास में दो ट्रायंगल बने हुए हैं। एक ट्रायंगल तो दोस्तों आपका ए डी सी और एक दूसरा ट्रायंगल क्या ए बी सी। और आप जानते हो समांतर चतुर्भुज के अंदर दो इक्वल ट्रायंगल बने हुए, एक तरीके से दोनों का एरिया क्या होगा आपका इक्वल होगा। अब देखिए ए जो पैरेललोग्राम ए बी सी डी है, तो आप कह सकते हैं ये जो ट्रायंगल आपका बना हुआ है ए सी डी, इसका ट्वाइस क्या होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी होगा। तो ये आपने यहाँ लिखा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ट्वाइस, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल जो ए सी डी उसका आप ट्वाइस करेंगे तो किसका एरिया निकल सकता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी का। अब देखिए समांतर चतुर्भुज का एरिया आपको पता था यहाँ कितना था आपके पास में 48, ठीक है, इक्वल टू आपका 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी ये आपका सेम बिल्कुल 2 इंटू में नीचे आएगा आपका डिवाइड में, 2 से 48 को डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना है 24। यानी जो ट्रायंगल है दोस्तों आपका ए सी डी जो आपका शेडेड पोर्शन है, इसका एरिया यहाँ कितना आ चुका है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट था आपके पास में कि जो ये खाली पार्ट है यानी जो शेडेड के बाद जो खाली पार्ट बचा हुआ खाली जगह जो आपका इस ट्रायंगल का भी क्या निकालना है आपको एरिया। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी किसके इक्वल होगा आपका ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये जो ट्रायंगल आपका ए बी सी आप इसका क्या करेंगे ट्वाइस करेंगे यानी दुगना करेंगे, तो आप किसका एरिया निकाल सकते हैं समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का। अब इसका एरिया आपको पता है कितना है 48 बराबर 2 आपका सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आपका सेम लिख लिया 2 इंटू में नीचे का आएगा डिवाइड में 2 से 48 को डिवाइड किया तो आंसर कितना आएगा 24। ये तो आप जानते हैं कि आंसर सेम ही आने वाला, क्यों, क्योंकि दोनों का जो ट्रायंगल वो सेम है तो एरिया भी क्या होगा आपका दोनों का इक्वल होगा। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन थर्ड आपका कंप्लीट हो चुका है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द एंगल ऑफ ए क्वाड्रेटरल यानी चतुर्भुज है जिसके चारों एंगल आपको पता है, फर्स्ट एंगल आपके पास में कितना है x-20, सेकंड है x+20, थर्ड कितना है x-15 और फोर्थ आपके पास है x+15। तो यहाँ पर आपको किसकी वैल्यू निकालनी होगी एक्स की, क्योंकि आप देख रहे हैं सभी एंगल में आपका क्या है एक्स है। चलिए तो हमने अपने पास से माना कि एंगल ए कितना हो गया आपके पास में x-20 और एंगल बी कितना होगा x+20, एंगल सी कितना होगा x-15 और एंगल डी कितना x+15। अब आप जानते हैं क्वाड्रेटल के अंदर अगर आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ लगा दें क्वाड्रेटल की, तो चारों एंगल का सम कितना हो जाता है 360। तो देखिए एंगल ए कितना x-20 प्लस एंगल बी कितना x+20, एंगल सी कितना x-15 और एंगल डी कितना है आपके पास x+15 इक्वल टू कितना 360। देखिए -20 से दोस्तों +20 कैंसिल, -15 से +15 भी आपका कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा है एक ये एक्स है, एक ये एक्स है 2 और एक ही कितने हो गए 3x और ये हो गया आपके पास में 4x, तो 4x इक्वल टू कितना हो गया 360। दोस्तों आपको वैल्यू निकालनी है x की, तो 4 मल्टीप्लाई में नीचे का आएगा आपका डिवाइड में, 4 से आप 360 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास में कितनी आ चुकी है 90। तो यानी जो क्वाड्रेटरल होगा उसके अंदर एक्स की वैल्यू जो दोस्तों होगी कितनी होगी आपके पास में 90 होगी। तो इसी के साथ दोस्तों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी डी इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए बी पैरेलल सी डी एंड बी डी पैरेलल सी ई और ए ई पैरेलल बी सी, तो फाइंड एल्टीट्यूड ऑफ द पैरेललोग्राम बी सी ई डी। यानी आपके पास में एक ट्रायंगल है ए बी डी, उसका एरिया आपको पता है कितना है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और जो ये डी ई है आपका ये दोस्तों यहाँ कितना दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर। यानी ए बी किसके पैरेलल है आपका सी डी यानी डी सी के पैरेलल। देखिए ए बी ये लाइन है आपकी और सी डी आपकी ये है, तो ये इसके क्या पैरेलल यानी समांतर है। नेक्स्ट बी डी किसके पैरेलल आपकी सी ई के, तो देखिए बी डी आपका ये है तो ये लाइन किसके पैरेलल आपकी सी ई के पैरेलल है। और उसके बाद आपसे कहा है कि ए ई पैरेलल बी सी यानी ए ई, तो आप देख रहे हैं ये है आपका ए ई, किसके पैरेलल आपका इस बी सी के भी क्या है पैरेलल है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज़ें गिवन थी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी आपको पता है कितना आपके पास में 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको ये पता है कि डी ई कितना आपके पास में 6 सेंटीमीटर और आपको ये भी पता है कि ए बी पैरेलल डी सी है, बी डी पैरेलल सी ई है और ए ई पैरेलल आपका बी सी। तो देखिए दोस्तों यहाँ आपके पास में 3 ट्रायंगल बने, तो तीनों ट्रायंगल एक दूसरे के क्या रहे होंगे यहाँ पर ये इक्वल रहे होंगे। यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, एरिया ऑफ अगर आप ट्रायंगल ए बी डी का एरिया निकालते हो किसके इक्वल रखते हैं आप ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी सी फिर इक्वल रखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी, तीनों का एरिया क्या आएगा आपका यहाँ पर इक्वल आएगा। और आप ये भी जानते हैं हमें क्या निकालना है, इस एल्टीट्यूड की वैल्यू बतानी है, यानी हमें एक वैल्यू किसकी बतानी है यहाँ पर इस एच की बतानी है जो किस पैरेललोग्राम के अंदर काउंट होता है, तो उसका नाम है आपका बी सी ई डी। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये देखिए बी
सी डी ई, इसकी हमें हाइट बतानी है। तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर नहीं, एक एल्टीट्यूड अपने पास से ड्रॉ करा, तो अब आपको इसकी क्या निकालनी होगी दोस्तों, हाइट निकालनी है। तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी डी आपको पता है, इसका एरिया निकालना है, यानी एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी डी का फॉर्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। क्योंकि जब दोस्तों एल्टीट्यूड ड्रॉ होता है, वह एंगल कैसा बनता है आपका 90 का, और एरिया ऑफ ट्रैंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्रैंगल ए बी डी कितना आपके पास में, 24 इक्वल टू 1/2। अभी देखिए बेस आपने लिया है आपका ए बी डी, ये बेस है, आपको इसकी वैल्यू नहीं पता, लेकिन इस ट्रायंगल का एरिया सेम है, तो आपका बेस यहाँ कौन सा काम करेगा, ये वाला, यानी डी ई। तो आपने डी ई लिखा इनटू में आपका एच, 24 आपका सेम, 2 डिवाइड में तो बच जाएगा आपका मल्टीप्लाई में इक्वल टू डी ई, और डी ई की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी थी दोस्तों, 6 सेंटीमीटर, यानी ओनली केवल आप कितना लिखेंगे, 6 इंटू में एच। 24 के इंटू आप 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 48, 6 इंटू में नीचे आएगा डिवाइड में इक्वल टू एच, 6 से 48 को आपने डिवाइड किया दोस्तों, तो आपका आंसर कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो एल्टीट्यूड की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी दोस्तों। इसी के साथ ही क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 6। ए सी इज वन डायगनल ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी। यानी दोस्तों क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ए बी सी डी का एक स्क्वायर है, ए बी सी डी का एक आपका स्क्वायर, स्क्वायर में आप जानते हैं यानी वर्क को आप जानते हैं वो तो अच्छे से, इसके बारे में कि इसकी ऑल साइड इक्वल होती हैं और हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है आपका, तो आंसर है आपका 90 डिग्री होता है दोस्तों। आपको क्या फाइंड करना है, एंगल सी ए बी। अब आप ध्यान से इस फिगर को देखिए, आप जानते हैं सारे एंगल होते हैं आपके 90 डिग्री के, और आपको बताना है सी ए बी बताना है, क्या बताना है आपको दोस्तों, यहाँ पर ये सी ए और आपका बी, इस ट्रायंगल में हमें ये वाला एंगल निकालना है आपका सी ए बी एंगल बताना है। देखिए सबसे पहले एंगल ये था दोस्तों आपका 90 का, आपने इसका बाइसेक्ट किया, तो ये तो आप जानते हैं कि जैसे यहाँ अगर मैं एंगल 1 मान लूँ आपका, और यहाँ पर आप एंगल कितना मान लें अपना 2, तो एंगल 1 यहाँ किसके इक्वल होगा दोस्तों, आपका एंगल 2 के। तो देखिए ये हमने यहाँ पर लिखा कि एंगल सी ए बी किसके इक्वल होगा, सी ए डी के इक्वल, यानी 1 का पूरा कंप्लीट नाम दोस्तों क्या होगा, एंगल सी ए बी, और सेकेंड एंगल यानी टू एंगल जो 2 है उसका नाम आप क्या रखेंगे, सी ए डी, ये आपने लिखा। चलिए एंगल सी ए बी आपका सेम इक्वल टू, अब ये एंगल सी ए डी जो है आपका दोस्तों, ये आप कह सकते हैं कि जो कंप्लीट एंगल था आपका, या तो आप बी ए डी कह दो या डी ए बी कह दो, तो ये कंप्लीट एंगल क्या था आपका, 90 का हाफ किया तभी आपके पास एंगल क्या आया, सी ए डी आया। तो सी ए बी आपका सेम इक्वल टू, तो सी ए डी को आपने यहाँ क्या लिखा, 90 का हाफ, 2 से आपने 90 को डिवाइड किया, तो एंगल सी ए बी आपके पास कितना आ गया, 45। ये बात आप समझते हैं कि कंप्लीट एंगल भी 90 होता है, आप 90 को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो 90 का हाफ कितना होगा आपके पास, 45 होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आई होप क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी डाउट्स आपका होता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं। जो मेरे कुछ दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी हर एक वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडी इन पाई स्टडी।